बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एहतजाज गुज़िश्ता 56 दिनों से जारी है। तो हमारे बेहस हुक्मरान, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, बेहस हुक्मरान, सख्त दिल हुक्मरान, इनके जिस्मों में दिल नहीं है, जो इनके अपने ही शेरी सड़क के ऊपर सर्दी में 56 दिनों से दिन रात बैठे हुए हैं, क्या मांग रहे हैं? ये वही हुकूक मांग रहे हैं जो एक रियासत अपने शहरी को देता है, वही हुकूक मांग रहे हैं। इसके लिए भी बेहस हुक्मरान देने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, शहरियों को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में इंशाल्लाह हम आगे एक अहम और कदम उठाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम ऐसे मकाम पर धरना देंगे, इंशाल्लाह इनका जीना भी आराम करेंगे, इनकी सांसें बंद करेंगे। इस सिलसिले में एलियान गवादर, एलियान मकरान, एल बलूचिस्तान की तरफ से मैं चाइनीज़ से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी तहरीक चाइना के ख़िलाफ़ नहीं है, चाइना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, चाइना के कंपनियों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम इस सिलसिले में उनसे ये गुजारिश ज़रूर करते हैं कि जब 56 दिनों से हम बैठे हुए हैं, जब यहाँ के आवाम को, माहगीरों को, नौजवानों को कोई इज़्ज़त नहीं है और यहाँ के ज़मीनों को इज्जत अहमियत दी जाती है, तो मैं चाइनीज़ को कहता हूँ आवाम का साथ दें, माहगीरों का साथ दें, नौजवानों का साथ दें। तो उनसे यही गुजारिश कि जब तक हमारा एहतजाज चल रहा हो, वो आवाम का साथ देकर वो काम बंद करें, ग्वादर से चले जाएं, ताकि उन आवाम ये महसूस करें कि चाइना आवाम से मोहब्बत करते हैं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के माहगीरों से दिलचस्पी रखते हैं। वरना अगर वो सिर्फ़ ज़मीनों को मोहब्बत करते हैं, लोगों से मोहब्बत नहीं करते, तो हम भी फिर चाइना को उसी कैटेगरी में समझेंगे जो रियासत पाकिस्तान के वो गद्दार, वो डाकू जो हमारा हुकूक तो छीन रहे हैं, लेकिन हमें हक़ देने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में मैं चाइनीज़ कंपनियों से, चाइनीज़ इंजीनियर से, उन सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जब तक हमारा एहतजाज चल रहा हो, वो ग्वादर से चले जाएँ।